नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर हर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस क्रम में मैं अप्रैल 2018 के दो वीडियोज पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और फ्रेंड्स, आप जिस भी टॉपिक की डिमांड रखेंगे कॉमेंट्स में, उसी टॉपिक से मैं वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवा दूँगा अप्रैल के। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो केंद्र सरकार ने जो नई योजनाएँ शुरू की हैं अप्रैल 2018 में, उनके बारे में है। फ्रेंड्स, ये जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स योजनाएं केंद्र सरकार की, इनसे पिछले दो साल से हर एक एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका सेकंड पार्ट भी आगे मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 30 अप्रैल 2018 को शुरू गोबर धन योजना क्या है, गोबर धन योजना में क्या प्रावधान है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये इसमें प्रावधान है गोबर से बायोगैस बनाना। तो जायज सी बात है, गोबर से, गोबर का यूज होगा, गोबर से धन बनाया जाएगा, धन बनेगा, बायोगैस बनेगी गोबर से, यानी पशुओं के, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पशुओं के अपशिष्ट से बायोगैस बनाने की ये योजना है। और फ्रेंड्स, अगले दो क्वेश्चन इसी के बारे में डिटेल से बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, ये बजट में घोषित की गई थी और बजट वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। वो वीडियो जो आप देख लीजिए, फरवरी के करंट अफेयर्स में जितनी भी योजनाएं घोषित की गई हैं उन पर मैंने वीडियो बनाया है बजट में। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं गोबर धन योजना के बारे में। गोबर धन की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, इसमें देखिए, जी से बनेगा गैल्वनाइजिंग, ओ से बनेगा ऑर्गेनिक, बी से बनेगा बायो, ए से बनेगा एग्रो और आर से बनेगा रिसोर्सिज, और धन ऐसे कि ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिज धन, ये है इस योजना का पूरा नाम। अगला देखते हैं गोबर धन योजना के तहत क्या प्रावधान होगा। गोबर धन योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में कैसे बनेगा, यानी गोबर से धन कैसे बनेगा इस योजनाओं में, पशुओं के अपशिष्ट से कैसे धन बनेगा। प्रत्येक ज़िले में, देश में जितने भी ज़िले हैं उनमें प्रत्येक ज़िले में एक गांव सेलेक्ट किया जाएगा और वहां पर बायोगैस उत्पादन किया जाएगा। जैसे कि इस योजना की शुरुआत हुई है करनाल हरियाणा से, मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर उपस्थित थे और उमा भारती उपस्थित थी वहां पर समारोह में, और कुंजुपुरा गाँव है करनाल में, वो सेलेक्ट किया गया है। तो इसी तरह प्रत्येक ज़िले में एक गाँव सेलेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन एक योजना के बारे में है, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये योजना किस मंत्रालय की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। यह है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की योजना है। और फ्रेंड्स, इस योजना का लक्ष्य पूछें तो किसके लिए ये योजना, ये है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन में यदि आपको पर्यटन मंत्रालय मिले तो आप डाउटफुल मत होना, ये संस्कृति मंत्रालय की योजना है। और फ्रेंड्स, ये अप्रैल में चर्चा में, शुरू तो ये पहले ही हो चुकी थी लेकिन अप्रैल में किसी कारण से ये चर्चा में रही, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये 27 सितंबर 2017 को शुरू हो गई थी ये योजना, यानी 27 सितंबर को हर साल पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, उस दिन इसको शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स, अप्रैल में ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि यहाँ पर इसी दिन अप्रैल में 24 अप्रैल की तारीख को स्मारकों को आशय पत्र जारी किए गए इस योजना के तहत, इस कारण से ये अप्रैल में चर्चा में रही। आशय पत्र 22 स्मारकों के लिए 9 जो एजेंसियां हैं उनको आशय पत्र जारी किए गए हैं, जैसे विरासत रिसोर्ट्स एमपी, काकोतिया हेरिटेज ट्रस्ट इनको, आईटीसी लिमिटेड इनको जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल भी मैंने आपको इसकी बता दी है। और अगला क्वेश्चन, गोबर धन योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, करनाल हरियाणा से, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस पूरी जो भी जितनी भी योजना है 10 वन लाइनर्स में मैंने कवर किया है, सिंपल वन लाइनर्स में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। यह है 21 अप्रैल 2018 को स्वीकृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA क्या है ये। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत ई शासन को बढ़ावा देना, यानी पंचायत को ऑनलाइन करना, ये इस योजना का लक्ष्य, यानी
इस योजना का जो ध्येय है वो है ई पंचायत यानी पंचायतों को ऑनलाइन करना, इसी से ग्राम स्वराज आएगा। तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना, और प्रधानमंत्री मोदी ने इससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, मांडला मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी है, किस स्थान से की है, मांडला मध्य प्रदेश से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस योजना का बजट देख लेते हैं कितना है। इस योजना की कुल लागत कितनी होगी, 7,255.50 करोड़ रुपए, और जिसमें केंद्र का हिस्सा अलग है 4,500 करोड़ और राज्य का 2,755 करोड़ अलग अलग है। तो फ्रेंड्स ये बजट से संबंधित पहले कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। और इस हर एक योजना की अवधि भी पता होना चाहिए, कब से कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, कब से कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना की अवधि होगी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक, और समाप्ति की तिथि 31 मार्च 2030 तक इसको पूरी तरह से ई पंचायत ऑनलाइन पंचायत का जो लक्ष्य है वो उसको अचीव कर लिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं नौका, 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कहाँ से किया। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दो तीन योजनाएं शुरू हुई हैं इस महीने में अप्रैल में, और ये बजट में भी घोषित की गई थी। इसका शुभारंभ किया है बीजापुर छत्तीसगढ़ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी योजना है ये आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत है ये, सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, और ये बीजापुर से शुरू हुई है, और एक बीजापुर कर्नाटक में भी है, ये आपको छत्तीसगढ़ वाला ध्यान रखना है। कर्नाटक वाला बीजापुर जहाँ पर गोल गुंबज है, बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को कितने रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं पहले भी शामिल कर चुका हूँ बजट वाले वीडियो में और वीडियोज में, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाए। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, दो क्वेश्चन किए थे, एक तो राष्ट्रपति का नाम पूछा था जो पिछले साल ही नियुक्त हुए हैं, और एक उपराष्ट्रपति का नाम पूछा था। राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, नए चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पिछले इस वीडियो में हमने डिस्कस योजनाओं के बारे में डिस्कस किया है, तो एक बहुत बड़ी योजना है जो कि 2-3 साल से चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान किस दिन शुरू हुआ था, किस तारीख को, किस साल को शुरू हुआ था, ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। और फ्रेंड्स अगले साल महात्मा गांधी जी के जन्म के 150 साल पूरे होंगे, तो फ्रेंड्स ये 150 साल पूरे होंगे तो ये इस योजना से किस तरह से जुड़े हुए हैं ये भी आप बता दीजिए, यानी इस योजना का लक्ष्य कब, किस साल तक रखा गया है, ये फ्रेंड्स आप लिख कर कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में सबसे पहले सही जवाब दिया है अंजनी कुमार ने, उसके बाद हैं रुपेश बाघेल, उसके बाद हैं राजदीप कुमार शाह, सबसे पहले सही जवाब दिया है राजदीप ने, फिर हैं नीतू जाजोरिया, उसके बाद हैं कौशलेंद्रा राणा, उसके बाद हैं अशोक कुमावत, फिर हैं सचिन जांगड़ा, लगातार मैसेज आ रहे हैं सचिन जी के, उसके बाद हैं मास्टरमाइंड SRK, और उसके बाद विनोद का मैसेज है, विनोद मल्हान, भारत पेपर वर्क, फिर हैं एकता दलाल, फिर हैं सर संतोष, उसके बाद हैं नरेश कुमार सैनी, फिर हैं संदीप चौधरी, उसके बाद हैं अनिल गुप्ता, फिर हैं पीयूष कुमार गुप्ता। और फ्रेंड्स और भी नाम देख लेते हैं, विजय प्रताप सिंह हैं, उसके बाद हैं वर्षा राजक, उसके बाद नंदिनी अहिरे, उसके बाद प्रियंका कुमारी, फिर हैं विजय प्रताप सिंह, फिर हैं रैपस्टार, फिर हैं काशी बेनल, उसके बाद हैं कल्पना शुक्ला, फिर हैं अंकित कुमार। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।